अमर उजाला डिजिटल में आज हम मौजूद हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ग्राउंड देहरादून में, जहां 30वें विरासत मेले का आयोजन हो रहा है। और आज तीसरे दिन यहां देश भर से आई बहुत से स्टॉल्स, बहुत सी दुकानें लगी हैं जो अपना पारंपरिक भोजन और अपनी सांस्कृतिक चीज़ें यहाँ पर बेच रही हैं। तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ, और यहाँ पर एक बड़ी अलग सी दुकान हमें देखने को मिली। ये स्टॉल जो है आपका बड़ा अलग है, ये गोबर के प्रोडक्ट बनाकर यहाँ पर बेच रहा है, जो कि बायोडिग्रेडेबल भी है। तो आज हम बात करेंगे पवन थापा जी से, जो इस दुकान के ओनर हैं, और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं और क्या क्या इन प्रोडक्ट्स के रेट है। आइए। अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम पवन थापा है और मैं एक समूह के साथ जुड़ा हुआ हूँ, स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह, जो कि महिलाओं का समूह है। उसमें 12 महिलाएं हैं जो कि देसी गाय के गोबर को और हमारे यहाँ जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वो मिला के इस तरह के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और हाथों से बनाते हैं। इसमें 50 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो हम ये बनाते हैं। इसको इसमें डेली यूज़ की आइटम हैं और डेकोरेटिव आइटम्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये शुभ लाभ, ये वेनचैंग घर के वास्तु के लिए, और ये वॉल हैंगिंग्स हैं, कुछ डोर हैंगिंग्स भी हैं। इस तरीके से ये डोर हैंगिंग है दरवाजे के दोनों तरफ लगाने के, भोलेनाथ जी लक्ष्मी जी गणपति का साइन है। सबसे स्पेशल क्या है, ये देसी गाय का गोबर है, और कहते हैं कि जहाँ गाय का गोबर होता है वो शुभ और शुद्ध होता है। ये देखिए, ये गोबर गणेश है, आपने सुना होगा गोबर गणेश, देख लीजिए, इसी को कहते हैं गोबर गणेश। अभी विसर्जन हुआ था कुछ समय पहले, गणपति विसर्जन था, उस पर भी बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला था, तो लोगों का रुझान धीरे धीरे इस तरफ आ रहा है। ये देखिए, आपको एक अल्टीमेट चीज़ दिखाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर शायद ही इस तरह की चीज़ बनी हो। देखिए, गाय के गोबर से तो हम समय ये सामान बना रहे हैं, और हमने गाय ही गोबर से बनाई है, तो ये थोड़ा सा यूनिक है। सर, आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं, कब से आप ये सामान बना रहे हैं? इस काम को करते हुए हमें लगभग 7-8 वर्ष हो गए, लेकिन जो इसको हमको जो थोड़ा ग्रोथ मिला वो कोरोना काल से मिला हमको। कोरोना काल से बहुत फर्क पड़ा है और पब्लिक का रुझान इस तरफ आ रहा है। सर, किस तरीके की आप मशीन यूज करते हैं? उसके लिए हम हाथों से तैयार मशीनों का यूज़ करते हैं। जैसे ये टिक्की ले लीजिए, ये पानी का जो 5 इंच का पाइप होता है उसको हमने काट के इसकी डाई बनाई है, ऊपर से लोहे से ठोक के इस तरीके से निकालते हैं इसको। इसी तरीके से ये प्लास्टिक की डाई बनाई है। सर, ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। हाँ, ये आप जैसे घर को शुद्ध करने के लिए हवन कराते हैं, ये हमने मिनी हवन बनाया है। ये गाय के गोबर से और क्या नाम मंदिर के फूल सामग्री से बना है, ये शुद्धिकरण का काम करेगा। और इसके साथ हमने 25 तरीके की जड़ी बूटियों से एक मिक्सचर तैयार किया है, ये महक करेगा और वातावरण को शुद्ध करेगा, तो इस तरीके से ये मिनी हवन का काम करेगा। इसी तरीके से तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी धीरे धीरे लोगों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो इस पे मतलब फ्यूचर गोल्डन है इसका। जैसे अभी बात चल रही है मेक इन इंडिया की और ऑर्गेनिक खेती की और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया हुआ है। और ये आप कुछ बता रहे थे कि प्लांट में डालने वाला यूज करने के बाद, देखिए ये जो इको फ्रेंडली दीपक है, ये गाय के गोबर से और कच्ची मिट्टी से बना है, ऊपर से लाल मिट्टी की कोटिंग है ताकि जले ना, तो ये यूज़ करने के बाद आप प्लांट में डाल देंगे तो खाद बन जाएगी, और इसको आप 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं जी। इसी तरीके से ये अभी देख लीजिए, ये पंचगव्य टिक्की बनाई है हमने, इसमें 5 एलिमेंट है, दूध दही घी गौमूत्र और देसी गाय का गोबर, इसके अलावा थोड़ा सा जौ और तेल भी डाला हुआ है, उसकी महक भी अल्टीमेट है। इसी तरीके से हमने एक टिक्की बनाई है, ये इस तरीके की टिक्की है, इसमें मंदिर के फूल हवन सामग्री और देसी गौ में है गौमूत्र, ये मिनी हवन सेम उसी की तरह है, बस इसमें धुआं थोड़ा ज़्यादा होता है। अभी आप पे लगभग कितना सामान है जो गोबर से बना हुआ है? लगभग 50 से ज़्यादा तरीके के सामान है जो कि हम लोग बनाते हैं। ये विनचैंट बहुत पसंद आता है लोगों को, ये घर के वास्तु के लिए होता है, ये कंप्लीट गोबर की प्लेट है और गोबर गणेश। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी आपसे कि कब से, मतलब जब आपने काम शुरू किया तो कैसे आपको आइडिया आया कि ऐसा हो सकता है? देखिए, पैसा था नहीं, कम से कम इन्वेस्टमेंट नहीं किया कर सकते थे वो ये। अच्छा हाँ, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं, रिच एनजीओ है जो विरासत को एग्जीक्यूट करती है, उसको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और एक ONGC
जो इसको स्पॉन्सर करती है, उसको भी दिल से धन्यवाद। तो विरासत के अलावा आप और मेलों में भी अपना सामान जो है बेचते हैं? सरकारी मेलों में जहाँ हमको मतलब पैसा नहीं देना पड़ता। अच्छा, तो वहाँ क्योंकि स्टॉल का पैसा नहीं देते। इसका अब अच्छा खासा रिस्पांस है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ, ये हमारी महिलाओं ने बनाया है गोबर की प्लेट पे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये किस काम आती है ये? देखिए वैसे तो कहते हैं कि जहाँ गोबर होता है वो जगह शुभ और शुद्ध हो जाती है। हमने क्या करा, गोबर की प्लेट में ओम, ये भोलेनाथ जी का साइन है जी। तो इससे अल्टीमेट, और हमारी बहनों ने इसमें डिज़ाइन किया है, कलर किया है, तो इससे अल्टीमेट चीज़ हमें नहीं लगता कुछ होगा। आपके एनजीओ में अभी कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? 12 महिलाएं हमारे साथ हैं, हमारी बहनें। हाँ, जो कि हमारे आसपास के क्षेत्र की गरीब महिलाएं हैं, बेरोजगार जी, तो उनको रोजगार देने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है ये जी। शुक्रिया पवन जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।